हे गाइस, वेलकम टू बाइक ड्रीम्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। होप आप सब ठीक हो एकदम। ये राजस्थान राइड का डे टू है। हम लोग उदयपुर पहुंच चुके हैं। ये मैं लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इंट्रो में अच्छा व्यू दिखाना था। तो ये है द स्पेक्टेकुलर व्यू जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा था। होप आपको व्यू अच्छा लगा। पूरा जर्नी देखना। हम लोग आज बड़ौदा से लेके उदयपुर तक राइड किया है। हम लोग जस्ट उदयपुर पहुँचे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो पूरा वीडियो देखना अगर एंड तक। अगर अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे कमेंट में मेंशन करना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना। लाइक करो सब, एटलीस्ट लाइक करो या डिसलाइक करो, एटलीस्ट पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो आई कैन इम्प्रूव ऑन माई स्किल्स। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, पूरा जर्नी देखना। संडे को भोलेनाथ के दर्शन, ये ना बात। दिस इज व्हाट यू कॉल अ नेशनल हाईवे। किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है। माय गॉड, लुक एट द व्यू गाइस। वडोदरा यहाँ से है 12 किलोमीटर। अभी टाइम हुआ है 8:10। काफ़ी टाइम लगा दिया है बैग माउंटिंग में। हम लोग ज़्यादा यूज टू नहीं है तो इट्स लाइक लंबी राइड बहुत कम निकलते हैं। तो जब तक आदत पड़े तब तक माउंटिंग में बहुत टाइम लगता है। अच्छा एरिया लग रहा है, काफ़ी सारी ब्रांड्स एंड मॉल्स हैं यहाँ पे। एलएनटी का ऑफिस है इतना बड़ा। वाह भाई वाह। मंडे को भोलेनाथ के दर्शन। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मिरर में तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। मज़ा आया देख के। लेकिन गणपति बप्पा मोरिया, एक और टोल आ चुका है और इसी के साथ हमारा एक जो है पहला माइलस्टोन ख़त्म हो चुका है, जो कि था 100 किलोमीटर्स राइड करने का विदाउट ब्रेक। सो वी हैव डन इट। टाइम हुआ है 9:20, विच मीन्स अराउंड 1 hour 20 minutes में हम लोग ने 100 किलोमीटर्स कवर किए हैं। तो 80 मिनट्स में 100 किलोमीटर्स आई थिंक इज गुड। राजकोट के लिए लेफ्ट, दिल्ली जयपुर जाने के लिए राइट लीजिए। अरे बड़ा सा मंदिर बना हुआ है चौक पे, बहुत ही प्यारा।
बजरंगबली का मंदिर। तो ये जो रास्ता है ये जाता है मोड़ासा, मोड़ासा 50 किलोमीटर है, पर यहाँ से अभी लेफ्ट टर्न है जो फिर से हाईवे जाएगा, वो हाईवे जहाँ से सब बसेस वाले जाते हैं, तो रास्ता ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा लंबा है, 30 किलोमीटर और 45-50 मिनट्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो रास्ता अच्छा है। ये रास्ता भी ठीक है, ख़राब नहीं है ज़्यादा, बट बीच में कभी भी अचानक पॉट होल्स आ रहा है और गांव है बीच में, तो और रास्ता पतला ही है कंटिन्यूसली, तो स्पीड बहुत कम मिल रहा है। तो देखो बस जा रही है, तो दो रास्ते हैं जाने के, बट हम लोग हाईवे वाला रास्ता जा रहे हैं अभी, तो मैं फिर बाइक पर बैठता हूँ, खाली ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना था इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी रुका था साइड में 2 मिनट, बाइक में कुछ तो झोल हो गया सडनली, शायद एयर पकड़ा है या तो कुछ तो हुआ है पेट्रोल भरने के बाद से। अभी पेट्रोल भरा था 10 किलोमीटर पहले, एक पॉइंट भी कम हो गया है बहुत जल्दी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना जल्दी होता तो नहीं है, तो गियर चेंज करने में काफ़ी अटक रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी को रुका दिया 2 मिनट और फिर न्यूट्रल में डाल के अच्छे से घूम वूम किया उसको। तब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है अभी, बट पेट्रोल का एक पॉइंट सडन से ड्रॉप हो गया, अभी गियर में तो कोई इशू नहीं लग रहा है, बट मैं डर गया था कि सीधा सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा अभी करके। एक और डाइवर्जन, इतना बोर हो रहा है यार, क्या बताऊँ मैं अभी। ये नेशनल हाईवे 48 की तो पूरी वाट लगी हुई है, बार बार डाइवर्जन डाइवर्जन, एटलीस्ट 20 टाइम्स तो हो चुका है अभी पिछले 20-25 किलोमीटर में। अरे यार ये रोड देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, होपफुली अच्छा रोड हो आगे भी। लुक एट दिस, व्हाट अ व्यू, अभी आया मज़ा उदयपुर का बोर्ड देख के, ऐसा एनर्जी बढ़ गई है अचानक से ना, मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ बता नहीं पा रहा हूँ, अच्छा रोड देख के ऐसे उदयपुर का बोर्ड देख के मोटिवेशन आ गया फिर से, भाई जल्दी हम पहुंचने वाले, वरना इतना बोर हो रहा था ऐसा मन कर रहा कहीं मैं ब्रेक लेके साइड में रुक जाऊँ आधा एक घंटा आराम करूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल अ नेशनल हाईवे। अच्छा रोड है, मतलब मैं अपना पास्ट भूल चुका हूँ, मेरा मतलब है जितना भी गंदा रास्ता आया था पीछे उसको मैं सब भूल चुका हूँ। ऐसा रोड पे गाड़ी चलाने के बाद ऐसा लगता है कि हम सभी टोल लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना खर्चा हो जाता है पेट्रोल में घूमने फिरने में, तो टोल में भी चला जाएगा आदमी, कम से कम गाड़ी तो चलाएगा सेफली। ये देखिए क्या रोड है, सुपर झाला रे बाबा, एक्सीडेंट झाला एक्सीडेंट। ट्रक पलटी हो चुका है, सामान दूसरे साइड आ चुका है उसका। मेरा मन कर रहा है कि मैं उतरूँ और रोड को चूमूं। पानी पीने के लिए और फोटोज़ खींचने के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे, उदयपुर इज़ मोर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो हम लोग 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे गाड़ी चला के। सो 2-3 फ़ोटोज़ निकालते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं, फिर मैं वापस बाइक पे बैठ के चालू करता हूँ। इतना मस्त व्यू है, तीनों बाजू पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में टोल बूथ, तो लग रहा है किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है। इट्स रियली नाइस,
बहुत मज़ा आया गाड़ी चला के। उसके बाद तुरंत ही नए वाले रोड ख़त्म हो गए, अभी ये रोड आए हैं। हमने अभी वहीं पे ब्रेक लेके होटल बुक कर दिया था, सो होटल इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो होटल इज लेयर लेक पिचोला। वी हैव एंटर्ड द सिटी ऑफ लेक्स पैलेस। पहला लेक नज़र आ गया। My God, look at the view, guys. मतलब मेरा पैसा अभी वसूल हो रहा है, पेट्रोल का, राइड का, मेहनत का, सारा एफर्ट्स अभी वसूल हो गया एक मिनट में। टू गुड मैन, टू गुड। My God. ये वीडियो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक पक्का करना अगर अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, क्योंकि पता चलता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और वन मोर थिंग, अपने चैनल पर जो है 300 आवर्स का वॉच हिस्ट्री हो गया है, तो आई एम वेरी हम्बल्ड फॉर दैट। हार्टली थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ बनाने का ट्राई करूँगा। Thanks for watching the video again. Stay safe and ride safe. Thank you. Bye.